दोस्तों, शुरुआत से ही कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी आसान जगह नहीं है कि यहाँ पर आप आकर सक्सेसफुल हो जाएं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। और इसी इंडस्ट्री में एक ऐसे इंसिडेंट का शिकार हुई है एक एक्ट्रेस। पिछले 5 सालों से अपने साथ हुई गलत व्यवहार पर जस्टिस की डिमांड कर रही थी। अब जाकर उस एक्ट्रेस को लग रहा है कि उसके साथ जस्टिस होगा। 2017 में इस एक्ट्रेस को चलती हुई कार ने 5 लोगों ने रेप किया था, और तब से इस एक्ट्रेस के जस्टिस की लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। सामने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था और यही कारण है कि एक्ट्रेस को जस्टिस के लिए इतना टाइम लग रहा है। ये एक्ट्रेस अब मीडिया के सामने आई है। पिछले 5 सालों से इनका नाम दबाया गया, इनकी आवाज दबा दी गई। भावना इस एक्ट्रेस का नाम है, और भावना मेनन जो कि मलयालम फिल्मों की एक सुपरहिट एक्ट्रेस है। पिछहत्तर फिल्मों में एज अ लीड एक्टर के रूप में काम कर चुकी है। ये बात 2017 की है। केरला के अटानी एरिया से भावना गुजर रही थी अपनी ऑडी कार से। ये कार उनका ड्राइवर मार्टिन चला रहा था। रात का समय था, तभी भावना की कार को पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर आकर टक्कर मारता है, जिसके बाद भावना की गाड़ी रुकती है, टेम्पो वाला भी रुकता है। भावना का ड्राइवर मार्टिन इधर से निकलकर टेम्पो ट्रैवल के पास जाता है और उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। ये सब कुछ एक रची हुई साजिश है। ये भावना को बहुत आगे चलकर पता चला, क्योंकि लड़ाई के बाद उनका जो ड्राइवर है वो तो वहीं भाग गया था, और पीछे टेम्पो ट्रैवलर में सवार 3 लोग भावना की गाड़ी में जबरन घुस आए। उसके बाद उन्होंने भावना को गाड़ी के साथ साथ 1.5 से 2 घंटे तक वहीं पर घुमाया, और एक के बाद एक उसके साथ ना सिर्फ संबंध बनाए बल्कि उसकी वीडियो और उसकी पिक्चर्स बना दी, जिसके बाद उसे धमकाया भी गया कि अगर मुंह खोला गया तो ये पिक्चर्स मीडिया में आ जाएंगे। इन लोगों ने भावना के साथ ये सब करके उसे सिटी के एरिया में छोड़ दिया, जहां पर एक मशहूर डायरेक्टर रहते हैं। भावना दौड़ती हुई अपनी जान बचाती हुई उनके पास गई, डायरेक्टर के घर पर गई, और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर और उसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक प्लान और इस प्लांट के बारे में पता चलने पर पुलिस को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सामने जो शख्स था वो बहुत पावरफुल था। 2017 से ये मामला चलता आ रहा है। 2021 में आकर भावना को अब उम्मीद लगी, जब मलयालम एक्टर दिलीप को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। दिलीप के साथ भावना कई सारे फिल्मों में काम कर चुकी है, और भावना का आरोप था कि दिलीप ने ही उनके साथ ये सब करवाया है, क्योंकि दोनों की फिल्मों के दौरान आपस में काफ़ी झगड़े हुए। इसलिए भावना को सबक सिखाने के लिए दिलीप ने भावना के लिए ये प्लान रचा। पुलिस इनिशियली इस बात को मान नहीं रही थी, तो बाद में जो पुलिस के खिलाफ भी दिलीप ने इस प्लान रचा और पुलिस को उसके ऑडियो नोट्स मिले, तब जाकर पुलिस को लगा कि हाँ, यही शख्स उसके पीछे है। एक्चुअली इस पूरे केस में जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको मारने का प्लान एक्टर दिलीप बना रहा था, जिसके ऑडियो नोट्स पुलिस के पास आ गए, और पुलिस को ये बात कन्फर्म हो गई कि दिलीप की इस पूरी साजिश में लिप्त है। दिलीप को अरेस्ट कर लिया गया। 5-7 लोगों को और अरेस्ट किया गया, हालांकि ये सभी लोग वापस बेल पर बाहर आ गए। इसी बीच मामला है वो खुलकर लोगों के बीच आ गया, और इंडस्ट्री के लोगों को भी पता चल गया कि भावना जो है वो झूठ नहीं बोल रही है, वाकई में उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भावना के सपोर्ट में आए। कई लोगों ने भावना के सपोर्ट में ट्वीट किया, और अब जाकर भावना ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि 5 सालों तक मेरा नाम छिपा कर रखा गया, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, जबकि बात तो ये है कि जाति मेरे साथ हुई। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, और मुझे जस्टिस मिले इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। साथ ही इंडस्ट्री में जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया उनको भी भावना ने थैंक्स कहा है। भावना ने 2018 में एक फिल्म डायरेक्टर के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद वो अपनी अच्छी लाइफ जी रही थी, लेकिन अंदर एक मेंटल ट्रॉमा चल रहा था कि उनके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनको कब सजा मिलेगी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दिलीप और उसके साथियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने अब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग से SIT टीम बना दी है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और बॉलीवुड के ऐसी रोचक खबरों के लिए
आप बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।